गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाकरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। सर्च टीम ने ढूंढ निकाली। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इस वक्त अनामया सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए हैं। 8 गोलियां लगी है। किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है। पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पर तुम्हाला माहिती आहे का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? मेरे बेटे का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। बघताई, अब ये ठीक है। बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पता है पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाए। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा की बॉडी छुपाकर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? ब्रेकिंग न्यूज़, जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ। पुष्पा जिंदा है नाना। रोल पुष्पा का।